योर सार्थक माई सेल्फ एन पी चौहान। इस बार मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन बच्चों को, जिसके कारण वो बच्चे अपने बोर्ड की अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। सबसे पहले जो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते समय बच्चों के मन में आजकल जो भय बनाया हुआ है, वो इस चीज़ का भय बना हुआ है कि पूरा साल निकल चुका है और अब तक हमने कोई तैयारी नहीं की है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों के पास इतना बड़ा कोर्स होता है, जिसे मैंने आपको सामने रखा है कि फियर ऑफ कोर्स, कोर्स का डर। बच्चों को ये डर बना रहता है कि क्या करें, कैसे करें, अब तक तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं की और अब इतने कम समय में हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो उस भय को दूर करने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। दूसरा डर बच्चों को रहता है कि डू नॉट फॉलो टाइम टेबल, कि हम समय जो समय सारणी है वो बना तो लेते हैं, टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उस समय का अच्छे से सदुपयोग नहीं कर पाते, या हम कह सकते हैं कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। तब क्या करें, कैसे करें कि जो हम टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर पाए। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है कि डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई से दूरी का बनना, कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं और जैसे ही पढ़ने बैठते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते, बहुत कोशिश करते हैं कि हम पढ़ना चाहें लेकिन नहीं पढ़ पाते। उन सबका कुछ समाधान यहाँ पर दिया गया है कि जिस तरह से बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे ये हैं कि हम जो हमारे पास सिलेबस है, जो हमारे चैप्टर है, उस चैप्टर में हर एक चैप्टर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो हमें क्या करना है कि उस चैप्टर से, उस पूरे चैप्टर को ना पढ़ के अब सिर्फ और सिर्फ हमें उन चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना होता है। क्योंकि अगर हम किसी बात करें, किसी भी चैप्टर की बात करें, जैसे कक्षा टेंथ की बात करें तो कक्षा टेंथ में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जैसे रासायनिक अभिक्रिया का योग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े जाए, न कि सारे कोर्स को रिवाइज करने का टाइम तुम लोगों के पास है। दूसरी चीज़ है कि जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन निकलेंगे, हो सकता है कि एक चैप्टर में से 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चनों को हमें यहाँ पे पढ़ना है, न कि पूरे कोर्स को। तो जब हम इस कोर्स को अपने छोटे छोटे उन क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे तो वो कोर्स हमें थोड़ा इजी लगने लगेगा। तो हमारे पास जो कोर्स का डर था, जब जो फियर हमारे अंदर मन में भरा हुआ था, वो किसी न किसी रूप से वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास डू नॉट फॉलो टाइम टेबल। हमारे पास क्या होता है कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं और जैसे नेक्स्ट दिन हमारे पास वो टाइम टेबल फॉलो करना भी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले अभी हमने टाइम टेबल बनाया कि टाइम टेबल का जो टाइम दे दिया वो हमने टाइम टेबल का टाइम दिया सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है और हमें जो है 10 बजे तक का हमने टाइम टेबल बनाया 5 से 10 बजे का। लेकिन होता क्या है कि हम उस 5 से 10 बजे के बीच में उसको फॉलो तो नहीं कर पाते और हम जो आँख खुलती है, हमारी आँख खुलती है यहाँ पे 7 बजे। जब अगर हमारी 7 बजे आँख खुलेगी तो हम उसको कैसे फॉलो कर पाएंगे, और हमारे मन में ये डर बैठता है कि मैंने अपने 2 घंटे तो सुबह से 5 बजे से 7 बजे तक वेस्ट कर दिए, अब ऐसा करते हैं कि हम कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मत सोचो कि आप लोगों के यहाँ पे 2 घंटे वेस्ट हुए हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, अगर हमारे 2 घंटे वेस्ट भी हो गए तो उसको मत देखो। आप लोग ये देखो कि अभी आप लोगों के पास 7 से 10 की बात करेंगे तो 3 घंटे आप लोगों के पास सेव है। अगर तुम अभी से उस काम को स्टार्ट कर दोगे तो तुम लोगों का कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। अगर सपोज दैट, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने ये सोचा कि हमारे यहाँ पर 2 घंटे वेस्ट हो गए, 2 घंटे तो वेस्ट हो गए मजबूरी में, लेकिन 3 घंटे आपने यहाँ पर अपने जानबूझ कर वेस्ट कर दिए तो वो तो और ज्यादा लॉस है। इसलिए दूसरी बात क्या करना है कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने पढ़ाई की, स्टडी की, हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हमने यहाँ पे आज 3 घंटे पढ़ाई की है तो नेक्स्ट डे हम कोशिश करें कि अगर हमने यहाँ पे टाइम टेबल तो 5 बजे से बना रखा है, लेकिन अगर हम यहाँ से 7 बजे से अगर पढ़ने बैठे तो हम कोशिश करें अपनी तब से कि हम यहाँ पे एक दिन पहले कि 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो हमारे यहाँ पर 3+1 यानी कि अगर हम बात करें तो 4 घंटे, पहले दिन 3 घंटे की अगर हमने प्रैक्टिस की थी तो नेक्स्ट दिन हम 4 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो मैं लिखा हुआ डू नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कल पढ़ने का समय होगा,
लेकिन वो कल हमारी कभी नहीं आती है। कहते हैं कि जिस समय पर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो वही तुम्हारा जो है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर होता है, सो अवसर होता है, अच्छा समय होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा जैसे ही टाइम मिले, जब मिल जाए तब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट चीज आती है डिस्ट्रेक्शन। इसमें था डिस्ट्रेक्शन, पढ़ाई से दूरी बढ़ना, क्योंकि आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। ये सबसे बड़ी कमजोरी हो रही है, बच्चे कहते हैं कि जी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उसके पीछे भी कुछ कारण है, उस कारण को समझ लो कि पढ़ाई में हमारा मन क्यों नहीं लग रहा। सबसे बेस्ट जो मेन कारण है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा या तो मोबाइल चलाते हैं या अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, और इसके साथ साथ अगर बसते हैं तो कुछ टाइम बसता है तो अभी मोबाइल में गेम खेला, टीवी देखा, इस तरह से अपने फ्रेंड्स पे मोबाइल पे लगे बातें करने लगी, इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि वो जो टाइम जो हमारा वेस्ट हो रहा है, या हम कह सकते हैं यही हमारे कारण होते हैं कि जिस कारण से हमारा जो है पढ़ाई से मन हट रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसा करना है कि ताकि हमारा पढ़ाई से मन ना हटे। तो हम क्या करें, अगर हमें पढ़ाई से मन को बचाना है कि पढ़ाई में हमारा मन लगे, तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम मोबाइल से उन ऐप को हटा दें। मोबाइल से हमें वो ऐप हटा देने हैं जिन ऐप के कारण हम उसमें बार बार लगते हैं। जिससे भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या करते हैं कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और तुम्हारे जितने भी गेम हैं उन सारे ऐप को मोबाइल से हटा देना चाहिए। अगर वो गेम मोबाइल के अंदर नहीं होंगे तो हम उनको खेलेंगे नहीं और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, और जब वहाँ से मन बचेगा तो हमारा क्या होगा, पढ़ाई में मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। दूसरी चीज़ है कि हमें क्या करना है कि सेट अलार्म, हमने अपने पढ़ाई का अलार्म सेट करना है, और वो भी हर घंटे पर आवर। हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में इस तरह से अलार्म सेट करना है कि वो अलार्म हर घंटे बजे, और हमें जैसे ही वो अलार्म बजेगा हमें ध्यान आ जाएगा कि हमें पढ़ाई करनी है। हो सकता है हमें एक घंटे इसको अलार्म को बंद कर दे, दूसरे घंटे भी हम अलार्म को बंद कर दें, लेकिन जब वो बार बार बचेगा तो हमारा ध्यान वहीं पर बचेगा कि हमारा दिन फोन पहुँच होगा। और हो सकता है कि अगर एक घंटा या दो घंटे हमने अलार्म को बंद भी कर दिया तो तीसरे घंटे हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ जहाँ तक बात है डिस्ट्रेक्शन का, तो डिस्ट्रेक्शन को दूर करने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, हमें एक ऐसा एम लेना पड़ेगा कि जिस एम को पूरा करने के लिए हमें उसके तक बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थे जिस टिप्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने फियर को, जो कोर्स का फियर है उसको दूर कर सकते हैं। जो हमारा टाइम टेबल से अगर हम नहीं पढ़ पाए उसके बाद भी हम क्या करेंगे, उस टाइम को इस तरह से सेट कर लो कि हर घंटे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ पढ़े, कुछ बेटर करें, हर दिन कुछ बेटर कुछ अच्छा करके जो है हम अपनी जो कमी थी, जो हम टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाए उसके बाद भी जो हमारा अपोर्ट जो बेटर दे पाए उसके द्वारा हम क्या करेंगे कि अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बच्चों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिसके द्वारा आप अपने बोर्ड के एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाओगे, और जो भी किसी तरह के प्रॉब्लम आपके सामने हो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग वो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के भेजें और हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।